वेल गाइस, टेकन ब्लडलाइन के टीजर में हमने काफी सारे कैरेक्टर्स को देखा जो सीरीज में होने वाले हैं, बट इतने ही कैरेक्टर्स काफी नहीं है क्योंकि टेकन 3 गेम में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। सो आज की इस वीडियो में हम टेकन ब्लडलाइन सीरीज में होने वाले कैरेक्टर्स के प्रेडिक्शन करेंगे, बट हम उन कैरेक्टर्स की बात नहीं करेंगे जिन्हें हम टीजर में देख चुके हैं, जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वीडियो में हम टेकन 3 गेम वाले कैरेक्टर्स के ही बारे में बात करेंगे जो सीरीज में अपीयर हो सकते हैं। तो फिर चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को, प्ले द इंट्रो। सो सबसे पहली कैरेक्टर है शायू, जो 100% सीरीज में होने वाली है, बट शायद शायू द किंग ऑफ आइनफिश टूर्नामेंट 3 में पार्टिसिपेट करती ना दिखाई दे, क्योंकि जब हियाची ने जिनको फाइटिंग की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था तो हियाची ने जिनको मिशमा हाई स्कूल में पढ़ाई के लिए भी भेजा था, जहाँ जिनकी मुलाकात शायू से होती है और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं, बट शायू जिनको फ्रेंड से ज्यादा मानती है, और यही वो मोमेंट हो सकता है जब सीरीज में शायू को दिखाया जाए। एंड यहाँ पर अगर शायू को दिखाया जाएगा तो मे भी पांडा भी अपेयर हो, क्योंकि सभी मूवीज और गेम्स में शायू और पांडा को एक ही साथ दिखाया जाता है, पांडा को शायू की एज अ पेट, बट सीरीज में पांडा का ज्यादा रोल नहीं होगा, ना पांडा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती दिखाई देगी। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शायू टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, बट मैं भूल गया था कि एक सीरीज है ना कि कोई मूवी, इसलिए हो सकता है शायू टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि गेम में भी शायू ने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ टूर्नामेंट में हियाची शायू का यूज करता है। अगला कैरेक्टर सीरीज में हो सकता है फॉरेस्ट लॉ। यहाँ पर ठीक से सुनो, मैंने फॉरेस्ट लॉ कहा है, मार्शल लॉ नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट ने टूर्नामेंट 3 में पार्टिसिपेट किया था ना कि मार्शल लॉ ने। एंड टीजर में भी हमने पॉल को देखा था, एंड पॉल ही वो कैरेक्टर होने वाला है जो फॉरेस्ट को टूर्नामेंट में ले जाएगा। दरअसल गेम में होता यह है कि मार्शल लॉ अपने सन फॉरेस्ट को किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने नहीं देता है, क्योंकि मार्शल लॉ को ऐसा लगता है कि उसका सन टूर्नामेंट में फाइट के लिए अभी रेडी नहीं है, बट फॉरेस्ट किसी भी तरह अपने फादर को प्रूव करना चाहता है, और हर मंथ मार्शल लॉ का फ्रेंड पॉल फिनिक्स लॉ से फ्रेंडली फाइट करने आता था। एंड जब पॉल को इस बार फॉरेस्ट की इस प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है, तो पॉल फॉरेस्ट को साथ में द किंग ऑफ फाइनफिश टूर्नामेंट 3 में पार्टिसिपेट करने को कहता है, जिसके लिए फॉरेस्ट पहले तो अपने फादर के डर से मना कर देता है, बट पॉल के फोर्स करने पर दोनों टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। सो सीरीज में भी फॉरेस्ट का ऐसा ही कोई रीजन दिखाया जा सकता है जहां फॉरेस्ट पॉल के साथ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। किंग, अब यहां पर ये मत सोचना कि किंग को तो टीजर में दिखाया जा चुका है तो मैं किंग की बात क्यों कर रहा हूं। सो यहां पर मैं टीजर वाले किंग की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं फर्स्ट किंग की बात कर रहा हूं जो ओरिजिनल किंग टेकन 1 और टेकन 2 में था, क्योंकि ओगर ने जून के साथ और भी कई मार्शल आर्टिस्ट पर अटैक किया था जिसमें फर्स्ट किंग भी था, और सेकंड किंग टूर्नामेंट में अपनी फाइटिंग स्किल्स को चेक करने और ओगर से रिवेंज के लिए पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ओगर ने फर्स्ट किंग को मार दिया था। अगला जो कैरेक्टर है उसकी स्टोरी भी किंग के ही जैसी है, एंड उसका नाम है होरेंग। सो ब्लडलाइन सीरीज में होरेंग हमें दो पॉइंट पर देखने को मिल सकता है, पहला जिनके साथ फाइट में, बट ये फाइट टूर्नामेंट में नहीं होगी बल्कि होरेंग की सिटी में होगी जहाँ ये मैच दोनों के बीच ड्रॉ रहता है, और सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि होरेंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे दो रीजन की वजह से, पहला तो जिनको डिफीट करना है, और सेकंड होरेंग को भी ओगर से रिवेंज लेना है क्योंकि ओगर ने होरेंग के टीचर बेग डुसेन को मार दिया था। अगली कैरेक्टर्स है नीना और ऐना। सो नीना और ऐना फीमेल के तौर पर हर एक मूवी या गेम में होती है, इसीलिए कोई और फीमेल कैरेक्टर होना हो बट नीना और ऐना सीरीज में जरूर होंगी, क्योंकि दोनों ही राइवल्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, नीना मिशिमा ज़ेबासु के लिए और ऐना जी कॉर्पोरेशन के लिए। इसके बाद अगला कैरेक्टर हो सकता है एडी, क्योंकि एडी की टेकन 3 में काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो सीधे काजुया से कनेक्टेड थी। एक्चुअली होता यह है कि एडी के फादर को कोई अनजान गैंग मार देता है, और तब एडी को जेल हो गई थी, एंड एडी ने जेल में ही कैपोइरा की ट्रेनिंग ली थी, बट जब एडी जेल से रिलीज हो अपने फादर के किलर्स का पता लगाता है तो एक गैंग के थ्रू एडी को पता चलता है कि गैंग को काजुया के कहने पर एडी के फादर को मारने का ऑर्डर दिया गया था। एंड आप यकीन नहीं करोगे बट एडी की टेकन 7 में अभी तक यही स्टोरी चल रही है, जहां एडी काजुया से अपने फादर का बदला लेना चाहता है। एंड हमने भी टीजर में देखा था कि टेकन ब्लडलाइन सीरीज में काजुया भी होने वाला है, सो इसके चांसेस है कि एडी भी सीरीज में अपीयर हो। डॉक्टर बॉस्कोनोविच, अब ये कैरेक्टर सीरीज में ना हो ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि टेकन की सीरीज में डॉक्टर बी और डॉक्टर एबली ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सभी तरह के एक्सपेरिमेंट्स पर वर्क करते हैं, और डॉक्टर बी तो मिशिमा ज़ेबासु के लिए ही काम करते हैं, सो सीरीज में भी डॉक्टर बी मिशिमा ज़ेबासु के लिए ही काम करते दिखाई दे सकते हैं। और टेकन 3 में डॉक्टर बी एक प्लेबल कैरेक्टर थे, बट इसके चांसेस बहुत कम है कि डॉक्टर बी सीरीज के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे, बट आपको याद होगा कि
टेकन 3 में डॉक्टर बी को एक मिस्टीरियस बीमारी हो गई थी जिसका इलाज ओगर का ब्लड था। सो ओगर का ब्लड लाने के लिए डॉक्टर बी अपने फ्रेंड योशिमिसु को टूर्नामेंट में भेजते हैं। मींस की सीरीज में योशिमिसु भी हो सकता है। सो गाइस यही थे वो कुछ कैरेक्टर्स जो नेटफ्लिक्स की आने वाली सीरीज टेकन ब्लडलाइन में अपीयर हो सकते हैं। बट इसके अलावा कुछ और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका रीजन तो नहीं पता बट वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे ली बुलोंग, गन जैक, प्रोटोटाइप जैक, ब्रायन और टेकन फोर्स जो मेक्सिको के टेंपल में दिख सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा जिसके चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है बट ये पॉसिबल है कि इस सीरीज में टेकन 3 के सारे कैरेक्टर्स हो हिडन कैरेक्टर्स को छोड़ के, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कोई मूवी नहीं है कि सबको ऐड नहीं किया जा सकता। ये एक सीरीज है जो काफी एपिसोड्स के थ्रू लंबी बनेगी, इसलिए इसके चांसेस है कि क्रिएटर्स सभी कैरेक्टर्स को सीरीज में दिखा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है और कौन कौन से कैरेक्टर्स सीरीज में हो सकते हैं जो टेकन 3 में ना हो, कमेंट में बताओ जरा। आई मीन कि हमने लैरा स्मिथ को भी टीजर में देखा था, इसलिए इसके चांसेस है कि टेकन के अदर गेम्स से अदर कैरेक्टर्स भी सीरीज में ऐड हो। बाकी जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो कर देना सब्सक्राइब, एंड मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।